हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल में। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी एक खबर को हम कवर करेंगे जिसके बारे में आप सभी बहुत ज़्यादा दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो हाँ गाइस, यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बजट आया है, तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया है कि जो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 वह लॉन्च करेंगे, जिसमें के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पीएम आवास जो योजना अर्बन 2.0 का लॉन्च किया है। साथ साथ उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे। उसी के साथ साथ ये आने वाले 5 साल में इन्होंने बताया है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर या फिर जो भी मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए रहेंगे। आगे और बड़ी खबर निकल के आ रही है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत में ही मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि सरकार ने इस स्कीम के लिए कितना पैसा या कितना बजट यहाँ पर एलोकेट करा है। तो देखिए, यहाँ पर जो है 10 लाख करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से के 2,20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर उन लोगों के लिए किया जाएगा। यह है यहाँ पर सेंट्रल असिस्टेंस होगा, यानी कि यह फंड उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो कि रेंट पर रहते हैं या जो यहाँ पर जो है अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, स्लम्स एरियाज में रहते हैं, उनके लिए दिया जाएगा। इसका लक्ष्य यह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मिल सके, उनका अपना खुद का घर हो। और यहाँ पर एक लक्ष्य यह भी है कि इंडिया में जैसे हर किसी के पास ज़्यादा मतलब घर नहीं होते हैं, काफ़ी लोग हैं जिसके पास घर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो घर की शॉर्टेज रहती है वह कम करी जा सके। हाँ, जान लेते हैं कि काम कैसे चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गवर्नमेंट रूरल एरियाज में यहाँ पर 3 करोड़ हाउसेस का टारगेट अचीव करने के बेहद करीब है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोविड-19 पेंडेमिक के चैलेंजेस के बावजूद यहाँ पर जो है स्कीम ने रिमार्केबल यहाँ पर जो है अपना प्रोग्रेस दिखाया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगले 5 सालों में गवर्नमेंट रूरल एरियाज के लिए 2 करोड़ और हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लान कर रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब चीज बता दी है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी इसको अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप सभी यह चीजें जान लीजिए कि आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। तो आप 2 मिनट और दीजिए, मैं आपको सब चीजें बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका परिवार है, पति पत्नी है और जो बच्चे हैं, वो भी अविवाहित यानी कि शादी नहीं होनी चाहिए। उनका पूरे ही भारत में किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात इनकम ग्रुप के ऊपर है। तो इनकम ग्रुप में यहाँ पर 4 बातें हैं, जिसमें के पहला वर्ग वह आएगा जिसके यहाँ पर साल की जो आमदनी है वो 3 लाख तक है। दूसरा वर्ग वह है जिसके 3 लाख से 6 लाख तक है। उसके बाद 6 लाख से 12 लाख तक और फिर 12 लाख से 18 लाख तक सालाना इनकम। तो ये 4 तरीके के यहाँ पर जो है इन्होंने लोगों को डिवाइड कर रखा है, उनके हिसाब से उन्हें यहाँ पर योजना का जो है फायदा मिलेगा। साथ में जो मकान है वह महिला प्रधान के नाम होना चाहिए या फिर जो उनका पति है और पत्नी दोनों ही ज्वाइंट होने चाहिए। साथ साथ यहाँ पर जो फैमिली ने भारत सरकार की किसी भी हाउसिंग स्कीम के तहत कोई सेंट्रल असिस्टेंस नहीं लिया होना चाहिए, तो यह चीज़ें भी आपको देखनी है। साथ साथ यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, एज के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है इनकम का वैलिड प्रूफ रहना चाहिए कि आपकी इनकम इतनी ही होती है, उसका प्रूफ। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी और जो आपको जान लेनी चाहिए थी मैंने आपको बता दी है। और इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे न्यूज़ का मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और गाइस, जितना मैं बताया आपको वह आपने जान लिया होगा, कोई चीज़ छूट गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लेकर आते हैं।